दोस्तों कई ऐसे लोग होते हैं ना जो बाहर कहीं पर भी घूम के आ जाएं लेकिन उनको चैन और सुकून अपने घर पे ही आता है। बाहर जाकर वो कुछ भी खा लें लेकिन स्वाद उनको अपने घर की दाल रोटी में ही आता है। इसी तरह आप कितनी भी जर्मन और कोरियन गाड़ी चला लें लेकिन भारतीय सड़कों में उसी गाड़ी को चलाने में आपको मजा आएगा जो कि भारतीय सड़कों के लिए बनी है स्पेशली। ऐसी ही आज मैं काबिल गाड़ी आपके लिए लेकर आया हूँ, वो है महिंद्रा की बोलेरो नियो। इस बुलेरो नियो की एक्स शोरूम कीमत 8,99,000 से लेकर 11,33,000 तक जाती है जिसमें आपको नेक्सॉन ब्रेजा टाइप की गाड़ियां मिल जाएंगी। लेकिन एडवांटेज है भाई साहब इस गाड़ी का, ये बॉडी ऑन फ्रेम है, रियर व्हील ड्राइव है और वो कॉम्पैक्ट एसयूवी का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि वो फ्रंट व्हील ड्राइव है। और साथ के साथ आपको मैं बता दूं इसकी जो लंबाई है वो 4 मीटर के अंदर अंदर है, आप इसको भी सब कॉम्पैक्ट एसयूवी कह सकते हैं लेकिन ये थोड़ी सी अलग है। और दोस्तों आप जैसा कि जानते हैं कि ये TUV300 का फेसलिफ्ट है लेकिन उससे कहीं ज्यादा इम्प्रूव है और उससे कहीं ज्यादा कैपेबल है। और वो कैसे, क्योंकि इसमें आपको मिलता है लॉकिंग डिफरेंशियल का ऑप्शन। लॉकिंग डिफरेंशियल का काम क्या होता है मैं आपको सरल शब्दों में समझा देता हूँ। कई बार ऐसी सिचुएशन आती है कि आपका एक टायर जो है हवा में हो जाता है और जब आप गाड़ी को पावर देते हैं तो होता क्या है, जो टायर हवा में है वो आपका घूमते रहता है और जो जमीन में लगा होता है वो डेड हो जाता है। लॉकिंग डिफरेंशियल का काम क्या होता है कि दोनों पहियों को बराबर पावर देना जिससे कि ऐसी सिचुएशन में आपकी गाड़ी को जो टायर उसका जमीन पे होता है यानी कि ट्रैक्शन में होता है उसमें पावर मिलती है और आपकी गाड़ी कहीं पर फंसी हुई हो वो आसानी से निकल जाती है। इस गाड़ी में लॉकिंग डिफरेंशियल का होना और इस गाड़ी का रियर व्हील ड्राइव होना और इस गाड़ी का बॉडी ऑन फ्रेम होना, यही सारी बातें हैं जो इस गाड़ी को बाकी कॉम्पैक्ट एसयूवी से अलग बनाती है और सबसे ज्यादा कैपेबल भी बनाती है। तो चलिए साथ के साथ बात कर लेते हैं इस गाड़ी के इंजन स्पेसिफिकेशन की। इसमें आपको मिलता है 1500cc का 3 सिलेंडर इंजन जो कि 100 PS की पावर निकालता है और 260 Nm का टॉर्क निकालता है। इसका बिहेवियर कैसा है, ये चलती कैसे है, ये आपको मैं चलते चलते बताऊंगा क्योंकि वो भी एक बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है। हालांकि इस गाड़ी की लंबाई कम है लेकिन इसकी चौड़ाई में कोई भी कॉम्प्रोमाइज आपको देखने को नहीं मिलेगा। आप इस गाड़ी में खुले खुले बैठते हो, आपके जो को पैसेंजर है आपसे काफी दूरी पर बैठेगा और सीटिंग पोजीशन इस गाड़ी की इतनी हाई है आप नेक्सॉन और ब्रेजा जैसी गाड़ियों की छत देख सकते हैं आसानी से। आप इस गाड़ी को 7 सीटर के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आपके पास कोई लगेज नहीं है, 7 सवारी है तो इसमें बैठकर जा सकती है। हालांकि ये जो सीटें हैं पीछे वाली स्पेशली वो बच्चों के लिए ही सही है। चलिए इस गाड़ी का मैं आपको स्पेस दिखा देता हूँ इसकी आगे की सीटों का और पीछे की सीटों का। मैं अभी गाड़ी चलाकर लाया था, ये मेरी परफेक्ट ड्राइविंग पोजीशन है। चलिए अब मैं आपको जो है मिडिल वाली रो में आप स्पेस दिखाता हूँ कि कितना मिलता है। इसमें जबरदस्त वाला स्पेस मिलता है, बाकी कॉम्पैक्ट एसयूवी से आप कंपेयर करें तो। ये देखिए मेरा जो लेग रूम है और साथ के साथ इसमें थाई सपोर्ट भी अच्छा खासा मिलता है। मुझे ऐसा लगता है कि सेगमेंट में सबसे बढ़िया थाई सपोर्ट इसमें मिलेगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं हेड रूम अच्छा खासा यहाँ पर मुझे मिल रहा है। अब इधर आइए, अब जैसा कि आपको पता है कि इस चौड़ाई में इस गाड़ी में कोई भी कंजूसी नहीं की गई है। आप देखिए यहाँ पर मेरा हाथ तक नहीं पहुँच रहा है वहाँ पर, जनरली छोटी गाड़ियों में पहुँच जाता है। इसमें अच्छा खासा शोल्डर रूम मिलता है, कहने का मतलब ये है 3 लोग इस गाड़ी में आसानी के साथ बैठकर जा सकते हैं। लंबी दूरी में आप कंफर्टेबल तरीके से भी बैठकर जा सकते हैं 2 लोग। इसमें आपको आर्म रेस्ट भी मिलता है लेकिन इसमें कोई भी कप होल्डर नहीं मिलेंगे। तो इस गाड़ी की तारीफें बस इतनी नहीं है, इस गाड़ी की तारीफें और भी हैं। अब इसको चलाकर देखते हैं और साथ के साथ आपको बताते हैं कि और क्या अलग है इस गाड़ी में। आइए, तो डोंट वरी, मैं इसकी सिर्फ तारीफ ही नहीं करने वाला हूँ, इसमें कुछ मेजर नेगेटिव भी हैं वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, तो उस चीज की टेंशन मत लीजिए आप। तो दोस्तों गाड़ी को चलाने से पहले इसका माहौल जो है सेट कर लेते हैं और साथ के साथ इस गाड़ी को जो है सुगंधित कर लेते हैं और फ्रेश कर लेते हैं। उसके लिए मैं क्या करूंगा, इन्वॉल्व 1 का मस्क यूज करूंगा और ये जो मस्क है ना बहुत लोगों का फेवरेट बन चुका है। इसको लेने के बाद, यूज करने के बाद इसको दोबारा से ऑर्डर कर रहे हैं और मैं भी इसको 2-3 बार ऑर्डर कर चुका हूँ और इस्तेमाल कर चुका हूँ। दिखाता हूँ मैं आपको इसको गाड़ी में आप कैसे लगा सकते हैं। इसके साथ आता है एक 3M का टेप, आपको करना क्या है इस टेप को इसमें चिपकाना है और आप जो है इसको अपनी गाड़ी के डैशबोर्ड में जो है लगा सकते हैं कहीं पर भी। तो लगाने से पहले मैं आपको बता दूं इसकी जो फ्रेग्रेंस है आप उसको रेगुलेट भी कर सकते हैं, कम ज्यादा भी कर सकते हैं और ये स्पिल प्रूफ है, गिरता भी नहीं है। इसमें आपको इस एक्सपेंसिव मस्क की मैनली फ्रेग्रेंस मिलेगी जो कि आपको काफी अच्छी लगने वाली है। मैं तभी कहूं कि इसको लोग दोबारा ऑर्डर क्यों करते हैं। अब ये गाड़ी जैसे 7 सीटर है तो इसको भी ये पूरा महका देगी। मैं इसको यहाँ पर लगा देता हूँ, टेप इसमें मिलता है, अब ये कहीं नहीं जाने का, कहीं ये गिरने का नहीं है। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, वहां से आप परचेज कर सकते हैं और आपको पता ही है कि मैं सबसे ज्यादा इस्तेमाल करता इन्वॉल्व 1 के प्रोडक्ट को। तो चलिए अब इस गाड़ी को चलाकर देखते हैं। इस टाइप की चाबी मिलती है ऐसी इसकी, अब इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखना इसके गियर लीवर को, देखना
स्टार्ट होते वक्त गाड़ी हिलती है हल्की सी यूं यूं करके। अब सबसे पहली चीज दिखाने वाली ये है कि जो इसका स्टेयरिंग है ना, ना ज्यादा भारी है ना ज्यादा लाइट है। जब भी आप कोई बड़ी गाड़ी देखते हैं और आपका जो दिमाग है ऑटोमेटिकली बता देता है कि यार इस गाड़ी का जो स्टेयरिंग है वो हैवी होगा ही होगा, आप लेकिन इस गाड़ी में बैठते हो, स्टार्ट करने के बाद स्टेयरिंग घुमाते हो तो आपको निराशा नहीं मिलती है। और विजिबिलिटी की अगर बात करें, विजिबिलिटी इसमें प्रॉपर मिलती है, आपको बोनेट भी दिखाई देता है, साथ के साथ जो आप ORVM देख पा रहे हैं वो इतने बड़े बड़े ORVM है, IRVM के थ्रू जो पीछे की विंडशील्ड है उससे अच्छी खासी विजिबिलिटी आपको मिल रही है। तो कहने का मतलब है विजिबिलिटी की कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, आप काफी ऊंचा होकर बैठते हैं इस गाड़ी में। तो चला के देखते हैं, क्लच है काफी लाइट है, गियर के थ्रो उतने ज्यादा नहीं है और गियर जो है ना परफेक्टली लगते हैं, ज्यादा जोर लगाने की जरूरत नहीं है जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो इसको चलाते हैं। एक चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ चलाने से पहले, ये सेकेंड गियर में भी बिना एक्सेलेटर के और बड़े प्यार से उड़ जाती है, ये इसकी खास बात है, जरा सा भी स्ट्रगल नहीं करती है ये गाड़ी। आप देख पा रहे होंगे इतने झटके गाड़ी पूरी हिल रही है, लेकिन सस्पेंशन इसका सॉफ्ट है, ये आपको शार्प गड्ढों को भी फील नहीं होने देता, लेकिन हिलाता बहुत है। और सबसे बड़ा जो है ना दिक्कत ये है, ये सेकंड गियर में चल रही है बिना एक्सेलेटर के, सीटों की होल्डिंग थोड़ी सी और अच्छी होनी चाहिए थी जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ना। तो जब हिलती है गाड़ी को प्रॉपर होल्डिंग नहीं मिलती, आप ऐसे ऐसे करके हिलते हो जरूरत से ज्यादा। आगे वाली जो ड्राइवर सीट है उसका थाई सपोर्ट भी अच्छा है इसमें, इसको मैं पहले गियर से उठाता हूँ, सेकंड में ही चल रही है अभी ये बिना किसी परेशानी के, बहुत प्यार से उठती है ये गाड़ी। और एक बात बताऊं मैं आपको, TUV 300 से सबसे मेजर इंप्रूवमेंट पता है क्या है, ये गाड़ी जब BS6 हुई थी तो ये रिफाइन भी ज्यादा हो चुकी है, ज्यादा आवाज भी नहीं आती इस गाड़ी के अंदर, ये जो मिड रेंज का जो पंच है ना इस गाड़ी का वो काफी जबरदस्त लगा मुझे। जैसे टर्बो स्पूल करता है 1500 RPM के बाद ही इसमें पुशबैक नजर आएगा आपको, आपको पीछे धकेलेगी गाड़ी है। ब्रेकर देखना है, ब्रेकर का कोई खास फर्क नहीं पड़ता है इसमें, ये देखो ना, इस गाड़ी को चलाने में ड्राइवर को कभी भी फटीग महसूस नहीं होगा, वो कैसे, उसको ज्यादा गियर बदलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी इस गाड़ी में, मैं सही बात बता रहा हूँ आपको। अब जैसे ये है चौथा गियर लगा हुआ है, इसकी 30-40 की स्पीड में ये चल रही है, अभी तो खैर ढलान आ गई, मैं आपको जो थोड़ा सा प्लेन आएगा वहां पर चलाकर दिखाऊंगा, टेंशन ही नहीं है इसमें। पांचवें गियर में ये 50 की स्पीड में चल रही है तो कोई चक्कर ही नहीं है, मत बदलो गियर, और वहीं से उठा भी लेती है। अभी देखो चौथे में चल रही है, इसकी जो स्पीड है 30-35 के आसपास है, मैं पेडल टैप करूंगा और ये वहीं से पिक करके ले जाएगी, ये देखो आप, फिर स्लो कर देता हूँ मैं, फिर उठा लेता हूँ, ये देखो। अब चढ़ाई में हल्का सा आपको जो है आपकी जो स्पीड गेन थोड़ी कम होगी, कम मतलब ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन उठ जाएगी ये देखो, और ये गड्ढों का पता ही नहीं चल रहा, मतलब ये शार्प गड्ढे हैं, आपको शार्प फील नहीं हो रहे हैं, गाड़ी जरूर आपकी हिलेगी। मोड़ में थोड़ी सी तकलीफ हो रही है, वो उसके नेगेटिव पॉइंट में बताऊंगा मैं तकलीफ कहाँ पे हो रही है। वो होंडा सिटी वाले भाई साहब को देखो और ये देखो ये बड़ी बेशरम गाड़ी है, कहने का मतलब है इसको कुछ समझ में नहीं आता, गड्ढे हो क्या ना हो कैसे भी हो, इसको मैंने कसम से हुआ क्या है एक दो बार कि ऐसे शार्प गड्ढे आए अचानक से आ जाते हैं यहाँ की सड़कों में, तो मैं डर गया कि मेरा जो है टायर फट गया, क्योंकि मैं समझ रहा था कि मैं कोई कॉम्पैक्ट SUV चला रहा हूँ, मतलब कोई दूसरी गाड़ी चला रहा हूँ, लेकिन वो गड्ढे को क्रॉस करने के बाद जितना मुझे पहले डर लग रहा था ना उतनी ज्यादा खुशी भी हुई बाद में, क्योंकि ये उसमें से यूं करके ग्लाइड करते हुए निकल गई और वो शार्प और नुकीला गड्ढा इसके अंदर फील ही नहीं हुआ। वो किस चीज का एडवांटेज मिला इसको, इसके जो टायर है ना उस टायरों का एस्पेक्ट रेशियो कितना ज्यादा है वो देखो आप, इसके जो रिम है वो 15 इंच के हैं, टायर के सामने रिम कितने छोटे लग रहे हैं वो भी देखो आप, ये इस चीज का एडवांटेज है। और एक SUV में जो रिम है वो ज्यादा बड़े नहीं होने चाहिए जिससे कि जो है टायर फटने का जो है डर हमेशा बना रहता है, और SUV को आप SUV की तरह नहीं चला सकते। 3,500 RPM के बाद ना ये दम तोड़ने लग जाती है, लेकिन उससे पहले क्या पंच मिलता है, 100 की स्पीड तक तो बड़े प्यार से पहुंच जाती है। अब देखना ये ब्रेकर है, कुछ पता ही नहीं चला जबकि डबल ब्रेकर थे। और नेगेटिव इसका एक ये भी है कि ये देखो खतरनाक बॉडी रोल आपको मिलता है, बॉडी रोल देखना, डर लगेगा लिटरली इसको तेज स्पीड में मोड़ने में, और टायरों से आवाज भी आती है तगड़ी, और ऐसे आप मोड़ोगे ना
अगर आपकी गाड़ी में मिडिल रो में एक बंदा बैठा हुआ है तो लेफ्ट कॉर्नर से सीधा राइट में पहुंच जाएगा। कॉर्नरिंग के मतलब की बिल्कुल भी नहीं है यार ये गाड़ी, ना ही इसका स्टीयरिंग जो है उतना ज्यादा प्रिसाइज है। आपको ड्राइविंग डायनेमिक्स कहने का मतलब है इस गाड़ी में नहीं मिलने वाले। 1500 RPM के बाद ना ये जो इंजन है प्रॉपरली पिक करता है, मतलब अच्छी खासी पावर प्रोड्यूस करता है, टॉर्क प्रोड्यूस करता है। एकदम से आपको ऐसा लगेगा कि पीछे से धक्का दे रहा है कोई इस गाड़ी को। ये देखो आप नेक्सॉन टाइप की गाड़ी की ना मैं छत देख पा रहा हूँ इसमें। एक बार मैं ब्रेक मार के देखता हूँ, थोड़ा सा भगा के 80 की स्पीड में मारूंगा इसमें मैं ब्रेक, ज़्यादा नहीं मारूंगा क्योंकि उस लायक है नहीं। रेडी रहना, ब्रेक मारने में नोज डाइव आप इसमें महसूस करेंगे। आगे वाला हिस्सा जो है अच्छा खासा नीचे दब गया था। प्रॉपर यार वैसा फील दे रही है ये बड़ी जो बॉडी ऑन फ्रेम होती है ना। 13 लाख में ऑन रोड मात्र विद MLD 100 तक बड़े प्यार से जाती है ये गाड़ी, मतलब टर्बो की रेंज में ही 100 तक आराम से पहुंच जाती है 3000 RPM के बाद। लेकिन आप गियर बदल ही दें इसका तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। लेकिन गलत चीज मेरे को क्या लगी कि 100 की स्पीड में यार ये 2500 RPM पे चलती है। मेजरली जो 5 गियर वाली गाड़ियां होती है ना वो 2200-2300 RPM के आसपास जो है 100 की स्पीड में चलती है, ये 2500 में चलती है। अगर आप इसको तेज स्पीड में चलाएंगे हाईवे में ना, इसका फ्यूल कंजम्पशन थोड़ा सा ज्यादा रहेगा बाकी गाड़ियों के कंपैरिजन में। और एवरेज की बात आई गई है तो सिटी में आपको ये आराम से 13-14 का निकाल कर दे देगी और हाईवे में 16-17 का निकाल कर दे देगी अगर 80-90 में चलेंगे या फिर मैक्सिमम 100 में चलाएंगे इस गाड़ी को। तो अब जैसे बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक है, आप इसमें दूसरे में भी आप इसको चलाएंगे विदाउट एक्सीलेटर तो आपको परेशान होने की जरूरत ही नहीं है, ये चलेगी आराम से। और सिटी में जब आपको स्पीड गेन करनी होती है ना, टर्बो लैग नहीं है इसमें भाई साहब। टर्बो लैग जैसे आपको नेक्सॉन में मिलता है, इको स्पोर्ट में हल्का फुल्का मिलता है और बाकी जो डीजल गाड़ियां हैं उसमें अच्छा खासा टर्बो लैग मिलेगा, इसमें नहीं है, ये पिक करते हुए चली जाएगी। जिन गाड़ी में टर्बो लैग होता है उसमें आप पहले क्या करते हैं, आप पहले उसको रेव करते हैं उसके बाद उठाते हैं, इसमें ऐसा करने की जरूरत नहीं, आप नॉर्मली उठाइए, बड़े प्यार से उठ भी जाती है। ये देखिए आप, चौथा गियर था, आराम से उड़ गई है। तो ये ही कुछ अच्छी बातें इस गाड़ी के साथ जो इस गाड़ी को इंडियन रोड्स के हिसाब से ना प्रैक्टिकल बना देती है। चाहे आपकी वो खराब रोड क्यों ना हो, टूटी फूटी सड़क क्यों ना हो, आपकी सिटी क्यों ना हो, सिटी के अंदर हैवी ट्रैफिक क्यों ना हो, तभी इस गाड़ी को चलाते वक्त ना मैं रिलेट कर पा रहा था कि यार ये इंडियन कंडीशन के हिसाब से ही बनाई हुई गाड़ी है। अभी देखो शहर में मैं चल रहा हूँ, 40 की स्पीड में मेरी गाड़ी चल रही है और ये 1200-1300 RPM में ये गाड़ी चल रही है, तो मुझे गियर चेंज करने की लिटरली कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे अगर स्पीड बढ़ानी है तो मेरे को एक्सीलेटर पेडल टैप करना है और जैसे ही 1500 क्रॉस करेगी अपने आप खींच लेगी स्पीड। ये फायदे हैं इस गाड़ी के, तगड़े फायदे भाई साहब। मैनुअल ट्रांसमिशन होने के बाद भी स्ट्रेस नहीं है। अब इस गाड़ी को खींच के देखते हैं, आगे से यूं हो जा रही है, पीछे से दब जा रही है। 3000 के बाद तो डेड है, हल्ला ज्यादा करती है ये, स्पीड कम गेन करती है। फटाफट गियर चेंज कर लो इसमें, मतलब 2500 जैसे ही ऊपर जाती है गियर चेंज कर लो, आपको कंटिन्यूस स्पीड गेन करने को मिलेगी। 120 के बाद जो है ना इंजन ज़्यादा कुछ खास रिस्पॉन्स करता नहीं है इसका और ये स्टेबल भी नहीं रहती है, एंडुलेशन आपको अच्छे खासे फील होंगे और लेन चेंजिंग में आपको तगड़ा डर लगने वाला है इसमें, आप देखिए तो हाई स्पीड स्टेबिलिटी इस गाड़ी की अच्छी नहीं है जैसे आपको नेक्सॉन ब्रेजा में मिल जाती है ना। आप इसमें मैक्सिमम 90 से 100 में चलिए, अगर आपके पास ये गाड़ी है तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। ये देखिए एंडुलेशन में कैसे हिल रही है ये गाड़ी। वैसे इन चीज़ों के भी मजे लेती है बहुत सारी जनता, जो बॉडी ऑन फ्रेम से प्यार करते हैं ना उनको इस चीज़ से प्यार होता है, जो ये हिचकोले खाती है गाड़ियाँ। अभी देखना एक चीज़ और करते हैं इसमें, 5वें गियर में जो है इसको 40 से उठाते हैं। अब तो ये 1000 RPM से भी नीचे हैं। अब जैसे 1000 RPM में चल रही है, क्रॉल कितने में होती है वो देखते हैं 5वें गियर में। 5वें गियर में अभी 1000 RPM में ये 40 की स्पीड में चल रही है, आप देख सकते हैं गाड़ी में कोई वाइब्रेशन नहीं है। अब यहीं से मैं इसको उठाता हूँ, 5वें थोड़ा सा टाइम लगेगा और जैसे ही RPM इसके 1500 क्रॉस करे वैसे ये खींचने लग गई बढ़िया तरीके से। 80 क्रॉस, 100 क्रॉस, गियरिंग इस टाइप से इस गाड़ी की, आपको ज़्यादा चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिटी में टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। 3रे में भी अगर आप चला रहे हैं 20-25 में, आपको टेंशन लेने वाली कोई भी बात नहीं है, आपको स्ट्रेस फील नहीं होगा इस गाड़ी में। क्लच भी लाइट है, स्टीयरिंग भी ठीक ठाक है,
अब आप देखिए कितना तगड़ा बॉडी रोल है इसमें। तो एक चीज मैं आपको बताना भूल गया एसी के बारे में, एसी इसका अच्छा है, इफेक्टिव है, बड़ी ही जल्दी जो है केबिन को कूल कर देता है। अभी वैसे उतनी ज्यादा गर्मियां नहीं आई है, जितनी भी गर्मी है उस हिसाब से जो है काफी जल्दी कूल कर रहा है, अच्छी खासी कूलिंग करता है इसका एसी। तो चलिए बात कर लेते हैं इसकी हेडलाइट की विजिबिलिटी की। हेडलाइट जो है इसकी सारी हेलोजन आपको मिलेंगी। आप जैसे कि देख पा रहे हैं मैं सिटी में गाड़ी चला रहा हूँ, उतनी ज़्यादा खास नहीं है, लेकिन खास है इसके फॉग लैंप्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे विजिबल कर देते हैं आपकी रोड को। और आप ये देखिए कि जैसे ही मैं इसको टर्न कर रहा हूँ गाड़ी को, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी कॉर्नरिंग लाइट भी जल रही है। और कॉर्नरिंग लाइट के बारे में एक और बात आपको बता दूँ कि आप लेफ्ट टर्न ले या फिर राइट टर्न ले, दोनों साइड की कॉर्नरिंग लैंप जो है जल जाती हैं। देखो मैंने आपको बहुत सारे नेगेटिव तो बता दिए चलते चलते, जैसे कि इस गाड़ी में बॉडी रोल है और इसका जो इंजन है 100-110 के बाद जो है उतना ज़्यादा रिस्पॉन्सिव नहीं रह जाता है और अंडुलेशन में अच्छी खासी हिलती है गाड़ी। उसके साथ साथ और भी नेगेटिव है इस गाड़ी के, इसका जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है ना उतना ज़्यादा खास नहीं है। किन मामलों में, ना तो इसमें आवाज़ अच्छी है, ना इसमें एंड्रॉयड ऑटो है, ना ही इसमें एप्पल कारप्ले है, ना ही आप देख पा रहे होंगे इसमें रिवर्स कैमरा है। ये सारी चीजें इसमें होनी चाहिए। आप इतनी बड़ी गाड़ी में बैठे हैं लेकिन ना तो इसमें रियर एसी वेंट है, और ये एक तरीके से 7 सीटर है तो रियर एसी वेंट होनी चाहिए थी, लेकिन केबिन के अंदर जो है कूलिंग अच्छी खासी हो जाती है, लेकिन फिर भी पीछे कूलिंग पहुंचने में टाइम तो लगता ही है यार। एक चीज मैंने इस गाड़ी में महसूस करी है, 3-4 दिन से मैं इस गाड़ी को चला रहा हूँ, मेरे को इसमें बोरियत फील नहीं हुई। सही बात में अगर बताऊं, अगर हाईवे में आप लंबा चला लेते हो ना इस गाड़ी को, तब थोड़ी बहुत आपको जो है बोरियत आने लग जाएगी, लेकिन सिटी के अंदर ये तो स्माइल दे देती है फेस में, उठाओ इसको दूसरे तीसरे गियर में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, गड्ढों में बिना रोके चलाओ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ब्रेकरों में कुदाओ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एसी अच्छा खासा, केबिन खुला खुला सा, कोई भी दिक्कत आपको फील नहीं होने देगी, स्पेशली सिटी में। और खास करके आप इसे पहाड़ों में भी चलाएंगे ना तो आपको ये मजे दे देगी, क्योंकि रियर व्हील ड्राइव है, इसका मिड रेंज बहुत प्यारा है, अच्छी खासी पावर आपको मिलेगी, लो आरपीएम में भी ये अच्छी खासी चढ़ाई चढ़ेगी, तो वहां तो इसने मजे देने ही देने हैं। तो देखो यार इस गाड़ी को ना आप एसयूवी बोल सकते हैं, कॉम्पैक्ट एसयूवी। बाकी जिनको आप कॉम्पैक्ट एसयूवी बोल रहे हैं ना, एक्चुअल में क्रॉसओवर बोलना चाहिए उनको यार, मैं सही बात बताऊं तो, क्योंकि फील भी ये पूरी दे रही है, कैपेबल भी पूरी ये है, आप जैसे चाहे इसको वो चला सकते हो, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है इस गाड़ी में। और सिटिंग पोजीशन आप देख रहे हो एक्चुअल में एसयूवी वाली है इसमें। तो दोस्तों ये है गाड़ी की खूबियां, और साथ के साथ मैंने आपको कमियां भी बता दी। आपकी जैसी रिक्वायरमेंट हो उस हिसाब से आप गाड़ी सेलेक्ट करना, और अगर देखा जाए जिस पर्पस के लिए ये गाड़ी बनाई है उन पर्पस को ये अच्छी खासी फुलफिल कर रही है। अच्छा इसमें स्पेस मिल जाता है, इंजन की ड्राइवेबिलिटी भी अच्छी खासी है, और साथ के साथ में पूरा एसयूवी वाला फील देती है, और साथ के साथ ये कैपेबल भी है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द आपसे एक नई वीडियो में नई गाड़ी के साथ। तो फिर बाय बाय, ख्याल रखिए अपना, भारत माता की जय।